हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लेन मिरर है। तो ये प्लेन मिरर क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, जनरली बच्चे रट लेते हैं यार, याद कर लेते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, खास करके 9th-10th वाले, ठीक है, या 9th-10th में उनको ऐसे ही 10th में फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। और रियल लाइफ में भी हम लोग यही देखते हैं, डेली प्लेन मिरर के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं और अपना हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह करते हैं, जो लोग करते हैं। तो वो क्या है कि वो उनको लगता है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ प्लेन मिरर वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। और कब वर्चुअल बनाएगा, कब रियल बनाएगा, इस चीज को हम आज क्लियर कर देंगे। चलो, तो मैं तो ये कहता हूं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक हमारे पास प्लेन मिरर है प्यारे बच्चों, ये एक सुंदर सा प्लेन मिरर है जिसमें हम लोग जनरली डेली मेकअप वगैरह करते हैं, हेयर स्टाइल ठीक करते हैं। अगर इस प्लेन मिरर पे कोई रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, रियल ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है यार, जिससे लाइट रे या तो उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है या वो खुद जनरेट करता है यार। तो यहाँ से अगर कोई लाइट रे इस पे पड़ रही है रियल ऑब्जेक्ट पे, तो मान लो यहाँ से यार, यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही है, देयर इज इनफाइनाइट लाइट रे, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं सब तो नहीं लूंगा, यहाँ से मैं दो लाइट रे लिया, एक लाइट रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी प्लेन मिरर से, तो ये वाली लाइन जो है डॉट 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 ऐसे, और दूसरी वाली लाइट रे मैं ऐसे लिया और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और अगर तीसरी वाली भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी रे ऐसे ही पड़ रही होंगी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जा रही होंगी। तो इस तरह के केस में क्या होगा, जैसे प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये सारी रे अपीयर टू मीट होंगी ये खास पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट इसका इमेज है। किस टाइप का इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो वर्चुअल इमेज कैसे बना, बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रे है ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट होती है, देखो इमेज कौन बनाता है, रे ऑप्टिक्स में इमेज कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को आगे पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ अपीयर टू मीट हुई तो वर्चुअल इमेज, अगर सच में मीट हुई तो रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे अगर एक्चुअल में मीट कर रही है, देखो इंसिडेंट रे अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो वो होता है रियल ऑब्जेक्ट, अगर इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट हो रही है तो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ से, तो अभी समझो, अभी ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बना कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, जो जनरली हम जानते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो तब क्या होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, तो ये हमारा अच्छा वाला प्लेन मिरर है और ये हमारी इस तरह से रे हमने डाल दिया, ये आ रही है इंसिडेंट रे, कहाँ से आ रही है हमको नहीं पता है कहाँ से आ रही है भाई, पर आ तो रही है प्लेन मिरर पे। तो ये इंसिडेंट रे है और ये एक इंसिडेंट रे, ये डॉट डॉट वाली लाइन है, इस पर मैं इमेज लेना चाहता हूँ। तो ये इंसिडेंट रे अगर इसको मैं आगे पीछे बढ़ाऊँगा, चलो मैं ये इसको मैं आगे पीछे बढ़ा दूँ एक बार, तो ये इंसिडेंट रे है, ये अगर मैं इसको आगे पीछे बढ़ाता हूँ ये वाली, तो यहाँ पर कहीं पे इंसिडेंट रे कट करेगी। अब यहाँ से मैं कोई कुछ दूसरा रे ऐसे, ये वाली ये भी इंसिडेंट रे है, तो इसको भी मैं आगे पीछे अगर यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये, अब यहाँ पर तुम देखोगे अभी रिफ्लेक्ट नहीं कराए हूँ, अभी इंसिडेंट कराए हूँ, ये जो वर्चुअल रे है इसको ऐसे आगे पीछे बढ़ाओगे कहीं भी देख लो तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंसिडेंट रे कट करती है। और ये अब जब इंसिडेंट रे कट करती है जहां पर, तो वहां पर फिजिक्स में बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक
ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंसिडेंट रे डिसाइड करती है ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे देखो यहाँ सच में कट कर रही थी तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट था, इंसिडेंट रे यहाँ अपीयर टू कट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब यार अगर ये जो रे मिरर पे पड़ गई तो इसका रिफ्लेक्शन भी तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मिरर के उधर चली जाएगी, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं नॉर्म ऐसे कहीं इधर इधर जाएगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं ऐसे चली जाएगी। तो ये जो वाली है वो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे को अगर आगे पीछे बढ़ाओगे यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैं रिफ्लेक्टेड रे को इधर में बढ़ाऊँगा तो इधर कहीं भी, इधर ये ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, ये इधर कहीं भी नहीं मिलेंगे। बट यहाँ अगर मैं ऐसे बढ़ाऊँगा ये वाली रिफ्लेक्टेड रे तो सच में यहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा रियल इमेज, क्योंकि इमेज कौन डिसाइड करता है रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है, इंसिडेंट रे। तो ये तो अब यहां पे प्लेन मिरर क्या बनाने लगा, रियल इमेज, कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो क्या कॉन्सेप्ट बना, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो आई होप कि आपको ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनाता है। एक्चुअली हर एक रियल का पेयर एग्जिस्ट करता है, रियल पेयर वर्चुअल ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट करो, आई होप आई विल ट्राई टू रिप्लाई द बेस्ट। थैंक यू।